हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चुंबकीय गुणधर्म की। तो आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय गुणधर्म। तो जो चुंबकीय गुणधर्म होता है तीन प्रकार का होता है। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं वो तीन प्रकार का चुंबकीय गुणधर्म दिखाते हैं, एक प्रति चुंबकीय, एक अनुचुंबकीय और तीसरा कौन सा है, लो चुंबकीय। तो जो आपका चुंबकीय गुणधर्म है वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। तीनों का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो पहला कौन सा है, प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, हम पहले बात करते हैं प्रतिचुंबकीय। तो जिन तत्वों के आपके ट्यूब कोष के होते हैं पूर्ण होते हैं, तो जिन संक्रमण तत्वों के आपके ट्यूब कोष के होते हैं, जिन संक्रमण तत्वों के ट्यूब कोष पूर्ण होते हैं, तो जिन संक्रमण तत्वों के डी उपकोष के होते हैं पूर्ण होते हैं। डी उपकोष का मतलब क्या है, जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं, 10 के 10 होते हैं। तो आपको पता है जो आपका डी उपकोष होता है, एक डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और जो आपका डी उपकोष होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आपके। अगर आपका डी उपकोष पूर्ण होता है, पूरा भरा हुआ होता है, पूरा क्या होता है, तो पहले हुंड भाई कहते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर लिया आपने, फिर उसके बाद सिंगल नीचे की ओर, ये क्या है पूर्ण। तो ये डी उपकोष क्या है, पूर्ण उपकोष है। तो जिनका डी उपकोष पूर्ण होता है और इलेक्ट्रॉन के होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन के होते हैं आपके युग्मित होते हैं, तो जिनका डी उपकोष पूर्ण होता है और इलेक्ट्रॉन के होते हैं युग्मित होते हैं। इलेक्ट्रॉन किससे होते हैं, जोड़े से होते हैं, जैसे दो 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 दो, जोड़े से होते हैं, सिंगल नहीं होते। अगर सिंगल होते तो क्या होता है, अनुचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय का अपोजिट होता है कौन होता है, अनुचुंबकीय। अब क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय के पदार्थ कितने कहते हैं, तो जिनके डी उपकोष पूर्ण होते हैं उन संक्रमण तत्वों में प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है। प्रतिचुंबकीय जो गुण होता है वो किसके कारण होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं इस कारण होता है। यानी जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं डी उपकोष में, उन ऑर्बिटलों के युग्मित होने के कारण, जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने के कारण, जो गुण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिचुंबकीय गुण कहते हैं। तो प्रतिचुंबकीय कब होगा, जब डी उपकोष पूर्ण होगा, पूरी तरह से भरा होगा और इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय। और अनुचुंबकीय इसके अपोजिट हो जाएगा, डी उपकोष के होंगे उसमें अपूर्ण होंगे, खाली होंगे, जोड़े से नहीं होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के होंगे उसमें सिंगल सिंगल होंगे, इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल पाए जाएंगे, तो आपका गुण कौन सा पाया जाएगा, अनुचुंबकीय गुण। और इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिना जोड़े के होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं। तो अब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं प्रतिचुंबकीय की। डी उपकोष पूर्ण रूप से भरे होने के कारण संक्रमण धातु प्रतिचुंबकीय होती हैं। तो ये आपका क्या है, डी उपकोष है, ये क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, सब में क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा होने के कारण संक्रमण धातु प्रतिचुंबकीय होती हैं। संक्रमण धातुओं के आयनों और यौगिकों का प्रतिचुंबकीय गुण डी कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की, तो जो प्रतिचुंबकीय गुण किसके कारण होता है, डी कक्षक, ये क्या है आपके डी कक्षक, इसमें कितने डी कक्षक है, 5, 1, 2, 3, 4, 5 डी कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो इसके जो 5 डी कक्षक है सब में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन क्या है, जोड़े के साथ है, तो डी कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। तो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण हमारा Zn+2 जिंक आयन का, इसका देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित है कि अयुग्मित है। तो Zn+2 का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 30, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। जिंक प्लस टू है, जिंक प्लस टू का मतलब क्या है
कि जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागे जाते हैं वो बाह्यतम कोष से त्यागे जाते हैं। तो बाह्यतम कोष कौन सा है? चौथा वाला। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका क्या रहेगा? 3p तक सेम रहेगा, उसके बाद क्या आएगा? 3d और फिर क्या आएगा? 4s2। यानी बाह्यतम कोष कौन सा है? चौथा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद भी कौन सा आएगा? तीसरा, फिर चौथा। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वो बाह्यतम कोष से त्यागे जाते हैं। तो 4s2 क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब ही तो ये क्या बना है? जिंक आयन होना है। जिंक पर जो 2+ चार्ज है वो किस कारण है? एस ने क्या करा है? अपने बाह्यतम कोष से दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके यहाँ पर? 3d10। आपको पता है डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हम इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर दें तो 10 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे भर दिए किसमें? तो जब हमने डी उपकोष के प्रत्येक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर दिए तो हमने देखा जो डी उपकोष था वो क्या आया? पूर्ण आया। तो डी उपकोष के जो ऑर्बिटल क्या आए आपके? पूर्ण आया। अगर डी उपकोष में जो ऑर्बिटल होते हैं वो पूर्ण होते हैं तो आपका जो संक्रमण तत्व होता है क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। अब बात करें अनुचुंबकीय की। डी उपकोष के आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण धातु अनुचुंबकीय होती हैं। यानी जो आपका डी ऑर्बिटल है ये क्या हो? युग्मित नहीं हो। उसकी जगह क्या हो आपके? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? एक डी उपकोष है, इसमें 5 ऑर्बिटल हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरूंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो ये 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ये क्या है? सब सिंगल 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 भरे हुए हैं। तो ये जोड़ ऐसे नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? अपूर्ण। यानी इसमें डी उपकोष क्या है? अपूर्ण है। पूर्ण कौन सा कहलाएगा? डी उपकोष। यानी सब में इलेक्ट्रॉन युग्मित युग्मित हो। अब मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो आते हैं, तो भी ये डी उपकोष क्या है? अपूर्ण है। मैंने एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब भी ये डी उपकोष क्या है? अपूर्ण है। अपूर्ण ये जब तक रहेगा जब तक कि सभी ऑर्बिटल कि मैं इलेक्ट्रॉन के होंगे युग्मित नहीं होंगे, जोड़े से नहीं होंगे, ऐसे नहीं हो जाएंगे। अगर ऐसे सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो डी उपकोष है वो अपूर्ण है। और जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे वहाँ अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा, और जहाँ डबल इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, युग्मित दिखाई देंगे, जोड़े से दिखाई देंगे, वहाँ प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाएगा। अब यहाँ मैंने एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब भी डी उपकोष अपूर्ण है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन सिंगल है। अब मैंने क्या कर दिया? एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब भी डी उपकोष अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर डी उपकोष में नजर आ रहा है तो वो क्या है? अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा। और अगर डी उपकोष पूरा फुल दिखाई दे रहा है, उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा गुण होगा? प्रतिचुंबकीय। तो डी उपकोष के आंशिक मान है, आंशिक रूप से भरा होने के कारण, आंशिक का मतलब होता है डी उपकोष खाली होगा, पूरा भरा नहीं होगा। तो आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण धातु अनुचुंबकीय होती हैं। संक्रमण धातु के आयनों और यौगिकों का अनुचुंबकीय गुण डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अयुग्मित कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन को। अब मैं इसमें कहूँ इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बता देंगे n=1। n क्या होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे मैंने एक और बना लिया स्ट्रक्चर, इसमें मैंने पूछा आपसे कि इसमें बताएं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बता देंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो n=कितना आ गया आपका? 5। n=5 क्यों आ गया? क्योंकि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हुई हैं। अब माना एक और एग्जांपल ले ले रहे हैं हम, ये भी क्या है आपका? डी उपकोष, 1, 2, 3, 4, 5। 3, 4, 5 और एक क्या आ गया? नीचे आ गया। अब मैं इसमें पूछूं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जो सिंगल दिखाई दे रहे हैं वो है 1, 2, 3, 4। तो n=कितना आ गया? 4। यानी इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? 4। तो यही बताया गया डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। अगर डी कक्षक में सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, बिना जोड़े के दिखाई दे रहे हैं, अयुग्मित, जिन्हें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो उसमें आपका अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा। और डी कक्षक पूरा भड़वा है, पूर्ण भड़वा है, सब में डबल इलेक्ट्रॉन है, युग्मित हैं, जोड़े से हैं, तो कौन सा गुण होगा? प्रतिचुंबकीय। जो सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। क्वेश्चन भी आया था कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, तो इसमें सिंगल कितने हैं? 5, तो n=5। इसमें 1 है तो n=1। इसमें 4 है सिंगल, तो n=4। उदाहरण के लिए Fe+2, तो Fe+2 का हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो यहाँ पर कर ले रहे हैं Fe+2 का,
चलो ऊपर ले ले रहे हैं थोड़ी जगह, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दोबारा मिटा के करता हूँ। अब हम बात करते हैं Fe प्लस टू के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। Fe प्लस टू तो Fe का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन Fe में प्लस टू चार्ज है, वो चार्ज किसका है, बाह्यतम कोष का, यानी बाह्यतम कोष से Fe ने जितने इलेक्ट्रॉन त्याग हैं उतना चार्ज आया, तो Fe ने कितने त्याग हैं, 2। तो बाह्यतम कोष कौन सा होगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका 3d6, उसके बाद 4s2, क्योंकि बाह्यतम कोष कौन सा है आपका, चौथा। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब क्या रहेगा, 3d6, डी में इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो आप एक डी ऑर्बिटल बना लीजिए, 1 2 3 4 5। वन डिवाई कहते हैं पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो, सिंगल सिंगल। तो आपने सिंगल सिंगल करके एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, और ये एक 6। तो ये आपने डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। हमने देखा कि इसमें जो है आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। तो एन बराबर कितनी है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 4 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हो, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हो, डी उपकोष अपूर्ण नजर आ रहा हो, उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, अनुचुंबकीय। और जहाँ डी उपकोष पूर्ण भरा होता है, पूरा भरा होता है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जोड़े से होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो Fe+2 का जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा, और 3d6 में का जो डी उपकोष बनाया और उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करा, इलेक्ट्रॉन बांटे, तो हमने देखा एक जो था ऑर्बिटल था वो पूर्ण था डी उपकोष का, और 4 क्या थे, अपूर्ण थे। जो सिंगल होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने ऑर्बिटल अपूर्ण है, 4। तो एन बराबर कितना है, 4। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको किससे दिखाते हैं, एन से। एन क्या होती है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी कितनी थी, 4। तो आपको प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देख लेना है, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर लेना है। अगर डी पूरा पूर्ण भरा भर लिया हो, उसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण भर जाए, पूरी तरीके से सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो आप कह देना प्रतिचुंबकीय है। और एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नजर आ जाए, तो आप कह देना अनुचुंबकीय होता है। अब बात करते हैं हम लौह चुंबकीय गुण की। जो पदार्थ अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, तो जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके लिए क्या होता है, बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, जब जाके के होते हैं वो उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो जो पदार्थ अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस गुण को लौह चुंबकीय गुण भी कहते हैं। तो जी जो लौह चुंबकीय गुण किस किस में पाया जाता है, लोहा क्या होता है, जब बहुत ही हैवी चुंबक होती है, जब उसकी तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा, और ऐसी लोकल वगैरह चुंबक होगी तो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो Fe लोहा, CO कोबाल्ट, कॉमा निकिल, ये क्या होते हैं, आपके लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके चुंबकीय आघूर्ण, यानी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हमें दिए गए हों तो हम उससे चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चुंबकीय आघूर्ण की।